अम्मी कुछ बोल रहे थे, रुको अभी मैं आप लोगों के लिए खास पूछूंगी। नहीं अम्मी, कार कब ले रहे हैं? कार कब ले रहे? लेंगे, बच्चे लोग बोल रहे लेने का, लेंगे बच्चों को जब लेने का रहेगा। मेरा डिसीजन नहीं है कि कार लेने का, क्यों? वो तो बच्चों को डिसीजन। क्यों नहीं? मेरा मेरा मानना है, मेरे को ना फायदा ना मेरे को बाइक में ही दिखता है। मेरा बच्चा बुलेट लिया, हाँ ठीक है, बुलेट में भी फायदा है, बाइक में फायदा है, टू व्हीलर में मेरे को फायदा इसलिए लगता है ना, बहुत छोटी जगह में भी निकल जाओ, झटपट काम है, बाइक में बैठे है और कहीं जाना है फैमिली के साथ, ओला बुक करे आ तो जाती है घर पे, ओला जाते तो है हम ओला के अंदर, क्या मुश्किल है। और ये है कि ना कंपलसरी जो रेगुलर काम के लिए है, किसको गाड़ी की जरूरत है तो हाँ ठीक है, लेकिन जिसको महीने में, दो महीने में, तीन महीने में एक बार जाने का है उसके लिए फोर वो ही, अभी भाईजान आपके बोल रहे थे अम्मी का, क्योंकि ना फोर व्हीलर एक ऐसी चीज है ना, लोखंड की कोई भी चीज जितना चलाओ उतनी बेस्ट। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। करके रखो उसमें उतना काम निकालेगी। तुम ओला में जो दुगना पैसा कभी कभार देते हो ना साल छह महीने में, उससे चार गुना आठ गुना पैसा तुम तुम्हारी गाड़ी में लगा दो। ये अम्मी की सोच है और मैं आप लोगों से बताती हूँ, दो मिनट मेरी थिंकिंग शेयर कर रही हूँ ना, जैसे मेरा जैसे अभी शफीक ने मेरे से छेड़ा बात, बोले अम्मी अम्मी कभी गाड़ी ले रहे, तो भाई मैं क्यों लूं गाड़ी। हाँ मेरे बच्चे लोग बोलते हैं मैं क्या डेली डेली क्या घूमने जाती हूँ कि जो मैं कार लूं, रखे रखे खराब होएगी, काम बढ़ेगा तो मेरी जान जलेगी, बोले उसमें खर्चा निकल रहा है। देखो अपन कहीं रोज रोज तो जाते नहीं, कभी कभार वाले हैं अपन, ओला को यू यू करे तो ओला आ जाती घर पे, उसमें बैठे जाके आ गए एक बार पैसा देके, अभी कैसा वो अपनी गाड़ी खड़े रहेगी, अपन रोज रोज तो घूमने वाले हैं। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने भी कार ली थी। गाड़ी का लोखंड का कोई भी चीज का ये आलम रहता है कि उसको तुम जितना यूज करो, एक छोटी सी वॉशिंग मशीन की भी मिसाल ले लो, तुम उसको जितना यूज करो उतने साल चलती है। और प्लस कैसे हमें पता है, बंद रखो बेकार रखो वो तो महीने भर में खराब हो जाए, फिर उसमें फजूल के पैसे। बराबर, मैं जाती थी महीने में एक आध बार घूमने निकल गई, लेकिन महीने में दो बार वो बच्चों का मन नहीं मारूंगी, मेरे बच्चे लोग को लेने का मन है तो मैं लोग को रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि देखो हर बच्चों की एक शौक होता है, एक बहुत दिन से मन बना के रखे थे। आप बोलेंगे अम्मी तुम एंड टाइम पे हमको मना कर दिए, नहीं मैं मना नहीं कर रही, मेरा ये जो समी थिंकिंग थी तो अम्मी की थिंकिंग मेरे साथ मैच हुई, तो मैंने आप लोगों के साथ गाड़ी कब ले रहे अम्मी, भाई अम्मी क्यों लेंगी, अम्मी नहीं ले रही, रियाज और शेरू लेंगे है क्या, नहीं मेरा ये बोलने का मतलब था, नहीं तो अम्मी बोलेंगे अरे अम्मी तो बोल रहे थे गाड़ी नहीं ले रहेगा, नहीं नहीं भाई लोग को लेने करेगा तो ऑब्वियसली लेंगे ना। अभी जस्ट अम्मी को ना भाईजान ने आपके छेड़ दिए तो अम्मी ने ना वही शब्द बोले जो मैं बोली अपनी वैगनार, मेरी वैगनार भले में सेकंड हैंड ली थी लेकिन वो भी ना बहुत खर्चा देती थी। क्यों खर्चा देती थी? क्योंकि बनाने के लिए उसमें हर महीना सर्विसिंग तो छोड़ो, लेकिन उसके अलावा ब्रेकें है बंद पड़ी है तो बैटरी चले गई, टायर की हवा चले गई, कुछ ना कुछ काम निकलने का, एसी नहीं चल रहा, घूमने जा रहे एक दो बार 2-3 हज़ार रुपए घूमने जाने के लिए ओला को बढ़ा लो, डेली लगता है वही सर्विसिंग, उसका खर्चा है ना घूमने से ज्यादा हो रहा था, मतलब वो पड़े पड़े मेरे को इतना खर्चा दे दी तो मैंने निकाल दी, भले मैंने सस्ते में बेची निकाल दी। होता है, मेरा भी यही मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूंगी गाड़ी, मैं लूंगी, लेकिन ना अब तब लूंगी जब मैं कंटिन्यूसली घूमने वाली हूँ। अभी पता है अपने को अपने बच्चे की स्कूल का भी मन है, देखो मेरे बच्चे लोगों का मन नहीं मारूंगी, क्योंकि जब वो घर में थे तो शायद हमने जगह की वजह से ना फोर व्हीलर नहीं ले पाए, जैसा बुलेट के लिए रियाज ने बोला था जब तक घर नहीं बनेगा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वैसा शेरू भी बोला था जब तक घर नहीं बनेगा मैं फोर व्हीलर हम लोग नहीं निकालेंगे, नहीं लेंगे। बच्चों का मेरा मर्जी है तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं हम लोग के कई भी अरमान मारती तो हम लोग अलग अलग थोड़ी लेंगे। मैंने तो हमेशा सुना कि आप अपने घर में ना हमेशा बात हुई है जब भी लेंगे ना गाड़ी सेवन सीटर बड़ी वाली लेंगे, ताकि फैमिली जब घूमने जाएगी तो साथ ही में आएगी, वो नहीं बोल रही मैं एक बात मिसाल दी कि जैसा बुलेट का भी उसने कैसा सोच के रखा था ना, कितनी उसकी आवाज़ आ रही थी भाई, यानी फड़ 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 जब जब हम लोग निकलते थे ना पूरी पब्लिक मुँह को देखती थी, इतनी इतनी खटारा हो गई थी उसकी बाइक। लेकिन उसके बाद भी मैंने बोली तू बुलेट ले चाहे कुछ भी ले भाई, मेरे को बाइक में वापस सर्विसिंग में डाल और वापस लेके आ, क्योंकि लेके आई अरे बना के लेके आई पूरी अच्छी करके, क्योंकि ना मैं कंफर्टेबल रहती हूँ वो स्कूटी में, हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्कूटी, मैं वापस सर्विस करा के वापस लाके खड़ा। एक बार इंसान को आदत हो जाती है कोई चीज पे बैठने की, ट्रैवल बुलेट भी अच्छी है, बुलेट में भी मेरे को बिठाया, मैं भी बैठी थी बैठो मजा आया, देखो जरा तुम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरे को दो तीन बार उसमें बिठा के दिखाया। मुझे भी उस दिन आई थी ना अम्मी के साथ, मुझे यहाँ से लेके राउंड घुमा के लेके आके छोड़ा, पूछा आपका कैसा लगा, मैं बोली बहुत अच्छा लगा बुलेट पे। और फोर व्हीलर में किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता। देखो मेरे को ना ये चीज ना मेरा थोड़ा खट्टा हुआ मन, मेरा खुद का गाड़ी होने के बावजूद भी मेरे 9th मंथ में प्रेगनेंसी में मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा, मुझे ऑटो से जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी बंद रहती थी।
कभी कभी बैटरी बंद है, कभी ये बंद है, कभी वो बंद है, तो हम इमरजेंसी के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेके रखा है डॉक्टर से और हमारी गाड़ी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि 15 दिन महीना भर से गाड़ी निकाले नहीं। तो मेरी जान जल गई थी कि जब जो चीज़ मेरी जरूरत पे काम नहीं आ रही है वो मैं क्यों रखूँ। अभी आगे लूंगी गाड़ी में, लेकिन कब लूंगी वो अभी कुछ मालूम नहीं। और ना क्या था ना, एक ये भी बात है कि ना फोर व्हीलर के अंदर है ना, जहाँ हम आधे घंटे का सफर जो पार कर लेते ना, सही बोले, फोर व्हीलर में तुमको पक्का है एक घंटे का सफर है, तो एक घंटे से 10 मिनट ज्यादा लोगे, एक घंटे से 10 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो ट्रैफिक। हाँ सही बोले, वैसा बाइक में तुम एक घंटे का सफर भी ना पौने घंटे में आधे घंटे में भी कर सकते, तुम कटवट। लेकिन आप भारी पड़ रहा है, दो बच्चों को लेके और उनका सामान लेके बैग में, बैग में सामान, एक तो मेरा बैग भी थोड़ा बड़ा रहता है बच्चे लोग को, दोनों का सामान, दोनों बच्चे होते हैं उनके साथ बैग में बैठना, और ऊपर से उज्मा को तकलीफ होती है कि अम्मी तुम भी मोटे और आजम को भी ऐसे घुसा देते तो कि मेरे को बैठने जगह नहीं होती। नो कमेंट्स, नहीं कमेंट्स करो आप लोग, नो कमेंट्स नहीं, मैं बोल रही करो, थोड़ा तो करो यार, अच्छा थोड़ा कम होएगी, थोड़ा अपना पर ध्यान देंगी तो बीमारी से भी बचेगी। अभी उम्र क्या तेरी, तू इतने अभी मैं पहल कर रहा हूं, मोटी का हो रही, वैसे मेरा पेट बढ़ रहा है। नहीं लेकिन मत करना वो भी, थोड़ा कम गाइस, अभी फिर शिफ्टिंग लूंगी, फिर घर खाली करूंगी, खुद ब खुद दुबली हो जाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लेती मैं, चर्बी मैं ऊँट के जैसा काम करती हूँ, मैं ऊँट के जैसा, ऊँट के जैसा अपना बैकअप है ना अपने अंदर संभाल के रखती हूँ, जरूरत आने पे खाना मिले ना मिले अपनी चर्बी अपने को मेल्ट होके मिल जाती है। हर साल में ना एक महीना इतना काम करती है ना, पूरा उसका ना मेंटेनेंस सही हो जाता है पूरा। अब घर की शिफ्टिंग का टाइम आ गया, एग्रीमेंट खत्म होने वाला गाइस अपना, तो समझ लो अगले 1-2 महीने में शायद मेरी शिफ्टिंग वापस शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा बैकअप के लिए संभाल के रखा है मैंने अपने अंदर। नहीं मेरी बच्ची बहुत दुबली थी सच्ची में, क्या मैं इतनी मोटी हो गई अभी अभी। अम्मी जब से मैं YouTube पे आई हूँ ना, ये एडिटिंग के लिए कंटिन्यूसली जो हम लोग बैठते थे 2-3 घंटा, तो दो बैठे बैठे हम लोग ऐसे हेड़ा बन जाते। सही बात है, क्योंकि देखो अपन टीम को काम नहीं दिए, जो भी अपने घर में बैठ के। हाँ अब शेरू भी एडिटिंग करता है, लेकिन कैसा वो बाहर आता है जाता है घूमता फिरता है, कभी कभी वो डाइट पे भी कंट्रोल करता है। वो डाइट तो करता ही करता है, लेकिन कैसा है सुबह में जाएगा बच्चे को छोड़ने, फिर आएगा काम करेगा काम करेगा, घर के चक्कर में फिर जाएगा, फिर बच्चे को आदमी साथ में ये हो जाता है। दोनों भाई दुबले क्यों हो गए मानो एकदम, जो घर बना जो भाग दौड़ की है ना तबियत से, ना खाने की सूरत, ना पानी की सूरत, ना नहाने की सूरत, ऐसे हो गए थे ना एड़े के जैसा, भाग भाग भाग, वो भी एकदम चल चलाती धूप में। हाँ अब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि घर के काम इंसान कितना ही भाग दौड़ के करेगा, घर है नॉर्मल, जो खाना बनाना झाड़ू जमीन बर्तन उसमें इंसान क्या ही वर्जिश करेगा, वर्जिश करो या तो फिर 1 घंटा पूरा योगा को टाइम दो, और वो 1 घंटा मैं अपने यूट्यूब को देती हूँ। नहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो दूंगी मस्त, अपने हाथ से 2 बाल्टी कपड़ा भिगाने का, क्या मोहरी में बैठने का और धोने का, इससे अच्छी और इससे बेहतरीन एक्सरसाइज कुछ नहीं है। तो मैं कितने बाल्टी कपड़े धोती थी, माशाल्लाह सुबह उठ के धोती थी 1 बाल्टी पूरा कर भर के, और 1 बाल्टी में जींस अलग भिगे हुए रहती थी, और जींस को भी ब्रश मार मार के धोती थी, और तब क्या मैं सही थी सुकड़ी पतली। अभी भी घर के काम करने मतलब कपड़े धोने का, सिलबत्ते में मसाला पीसने का बहुत मन रहता, क्योंकि उससे जो हाथ के फैट होता है ना वो जो है ना बहुत कम हो जाता है, और मेन हाथ का फैट कम होना चाहिए। लेकिन अभी लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि अपने पास वॉशिंग मशीन पड़ी है और बच्चों की हड़बड़ी में ना अपन ऐसी चला लेते हैं। लेकिन अम्मी सही में बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे मेरे माशाल्लाह से, और मुझे सही में टाइम मिला, और यूट्यूब अल्लाह ने चाहा और आप लोग ने चाहा, तो मेरी जगह रखना, लेकिन नहीं तो मैं टीम खड़ी करूंगी, टीम को बोलूंगी यूट्यूब का काम कर, मैं घर का काम खुद करूंगी। सिलबत्ता देखो मैं अभी भी सिलबत्ते की चटनी का बड़ा, सिलबत्ते की चटनी नहीं जायका, आज भी सिलबत्ते पे पत्थर पे मसाला पीसने से सालन में जो जायका आता है ना, जो जायका आता है ना वो मिक्सर के मसाले में जो सालन बनता है उसमें नहीं आता है। जो मैं आप चटनी में तो टमाटर की कैसी बनाते हो, जो बहुत उसमें अलग टेस्ट है, और मिक्सर में पीसे वो मजा नहीं आता, नहीं आता है, टमाटर पूरा वो हो जाता है ना। मेरा एक मानना है ये, जो सिलबत्ते पे पीस के मसाला सालन बनता है ना उसका टेस्ट अलग रहता है। बाबू इधर देखो जरा, ओ बाबू इधर देखो, अरे मेरे बच्चे का मुंह छुपा के घड़ी क्या इतनी है गजब रे बाप रे, हो गया हो गया। तो गाइस मैं क्या सोची थी, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, पता नहीं आई थी ना मैं ना बहुत ऐसे मायूस मूड में आई थी, मैं सुना के पास गया था, तो किसने व्लॉग नहीं बनाया, मैं पूछा व्लॉग नहीं बनाने का पूछी, मैं सुना के पास जाके आ गई थी। देखो ना मैं ज्वेलर के पास जाके आई हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाई, मेरा मन नहीं था, यहाँ आई ना थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने ब्लॉग बनाई, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, तो अभी फाइनली मैंने
व्लॉग बना लिया, आप लोगों को मिल जाएगा। वो शेरू ने मुझे पुशअप किया कि आप बना व्लॉग, बोले मूड अब अपना मूड है ना, अब सही बोलूँ मैं है ना, कितने भी बीमार रहूंगी ना तो मैं हाँ व्लॉग में ना मैं खुश होकर आती हुई, लेकिन अभी कैसे बच्चा बीमार था ना तो मूड हो ही नहीं था रहा था बच्चे से। ठीक है माशाल्लाह से। सो गाइस चलो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आप लोग ने सुन लिया बहुत सारी चीजें, अच्छा लगा मुझे भी बात करके, और उम्मीद करूंगी मैं कल से अपने रूटीन पे आ जाऊं। फोर व्हीलर ले रहे तुम क्या कर रहे भांडा फोड़ दिए? ऐसा नहीं है, भांडा फोड़ी नहीं मतलब उन लोग को अभी से थोड़ी लेने, तो बहुत पुराने से प्लान कर रहे हैं। लेकिन गाइस वो चीज हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, उन लोग कब ले रहे क्या ले रहे क्या ले रहे, ये तो हमने का वो मैं एग्जांपल दी बात की बात कि मेरे बच्चे भी लेने वाले हैं या लेंगे आने वाले वक्त में, तो उस पे मत जाना। ये तो मैं कितना बुलाया लेकिन बिजी थे अरे भैया, अभी महाड़ा में है हम लोग, अभी यहाँ से आ सकते थे तेरे पास सीखने, वहाँ से आना बोले ना तो बहुत भारी बन रहा था, एक आदमी यहाँ पे आ सकती थी। नहीं नहीं गाइस मैं भी गाड़ी सीख सकती थी, मैं गाड़ी सीख भी नहीं थी, यहाँ पे आते थे ना ठोकी भी थी, लेकिन आज हम आ गए थे ना पेट में माशाल्लाह से, तो फिर मैं छोड़ दी थी ना, तो हम लोग ना खाना तक नहीं खाते थे, 7 बज जाते थे मगरिब को, हम लोग के पास आधा घंटा नहीं निकलता था कि हम जाके खाना खा ले। हम 8-8 दिन में कभी कभार जाके पिज्जा बर्गर खाते थे, रोज रोज नहीं खाते थे, हम लोग को टाइम नहीं मिलता था, और कहाँ से 1 घंटा निकाल के गाड़ी सीखने जाते थे, यहाँ से भागता था स्कूल लाने बच्चे का, फिर लेके आता था बच्चे को भी करने को। तो मैं भी बहुत कुछ करने वाली थी, मैं तो घर लेके घर बनाने वाली थी, याद है ना आप लोगों को मेरा घर का जमीन बाबा की वजह से जो भी है, माशाल्लाह से मेरी जिंदगी में ना एक अचानक प्रेगनेंसी हो गई ना, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए, बस अब कुछ नहीं, ना घर सोचना है ना कुछ सोचना है, मैंने वो प्रेगनेंसी को इतनी इम्पोर्टेंस दी ना कि मेरे को कुछ और चीज से लेना देना नहीं था हाँ। तो फिर बाद में इसके लिए तो आखिर में भी फिर मैं आ गई भाड़े पे, कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो मेरे को दिए भी तो चांद जैसे बेटे, सब बोले जाने दो घर में तेल लगाने गया, ढूंढना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह देखो एग्रीमेंट भी खत्म होने आ गया, लेकिन अभी जरूरी है बाबा, अभी जरूरी है गाइस, अभी तो बाबा बस बहुत ज्यादा बढ़ा दे रही हूँ मैं, बताती हूँ इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो छोटी थी ना जब बोलते थे नहीं मेरे को क्यों बोलते थे, मैं ऐसे छोटे से उम्र से ना ऐसी खाला ना मेरी वो ऐसा करके वो नहीं क्या चोटी डालते इधर अपन लगाते वो, देख मेरी फोटो में भी होंगी देखो चॉकलेटी वाले कपड़े में हाँ। तो मेरे को बहुत छोटेपन से वैसे बाल बनाते थे, और पार्ले जी के भी बिस्किट में ना ऐसी बाल ऐसा, ये जब पैदा हुआ था ना आजम, मैंने देखते साथ बोली थी अम्मी के जैसा नहीं, अम्मी बोलते मेरे जैसा नहीं है, मैं बोलती थी नहीं मेरी नानी के जैसा, मतलब इनकी जैसा नहीं इनकी मम्मा के जैसा, ये मानते नहीं थे, लेकिन अगर सही से देखा जाए ना तो शक्ल मैच होती है लोगों की, मेरे जैसे ही दिखता मेरे को, अभी दिखने लगा है ना तुमको, पहले दिन बोली थी तो माने नहीं, पहले दिन नहीं माने, अरे तू तो नहीं बोली थी लेकिन सतीश डॉक्टर ने तो फूट करके आके बोले थे मेरे मुंह पे, जैसा मैं बोली नानी नाजो है तो शेरू लोग बोले थे नहीं भाईजान जैसा, बोली नहीं नाजो है बोले नहीं भाईजान जैसा, अरे चुप बड़ा बोले मेरे को तो उसकी नानी के जैसा दिख रहा है सबसे पहले ना डॉक्टर तो, लेकिन अभी वो अलग बात है कि मेरी फोटो निकाली मैंने तो फोटो देखो तो अभी आजम थोड़ा मैच कर रहा है मेरे से, तो ऐसा है, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह बहुत गोलू गोलू थी छोटेपन में, बहुत अभी भी हो गई देखो बिल्कुल, मगर अभी अच्छा नहीं लगता गोलू गोलू नहीं गाइस ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा भाई, मेरा काम है, मेरा मेरे को काम करने का है, ट्रैवल करने का है, मेरे को भी यूट्यूब अर्निंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होती है, लेकिन प्रमोशन कुछ चीज होती है, ये हमारा काम जो होता है वो बहुत जरूरी है, अभी छुट्टियों में जाना ना आराम से घूमने फिरने, तो मुझे दुबला होना है ऐसे थोड़ी में बैठ सकती हूँ, छुट्टी आ रही है ना उसमें की ना हाँ, पर इधर नहीं आ रही ना, ये मेरे को 4 छुट्टी की ना डालेंगे अभी, शादी की हल्दी की ना रसम की ना पसंद की ना, छुट्टी में घूमने नहीं ले जाएगा देखे गाइस, बोलते हैं ना जिंदगी में सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, लाख रुपया ऑन दो तुम्हारे पास, लेकिन अगर पति नहीं है ना बच्चे खुश रहेंगे नहीं तो मतलब नहीं है, अभी मेरे सही बात फिर गिराओ ऑफिस, क्रिसमस के लिए छुट्टी नहीं ले ले सकता, नहीं मिलती छुट्टी, अरे तो बच्चे के स्कूल के हिसाब से बोलने का, मैं छुट्टी लूं, अरे बाबा लेकिन एक तो दिवाली में बच्चों को छुट्टी मिलती है, क्रिसमस पे छुट्टी मिलती तो फिर जाएंगे कब बच्चों के साथ घूमने, आदमी ऐसा बोलेंगे जवाब देंगे तो कैसे जाएंगे बताओ, क्रिसमस में छुट्टी मिलती ना बच्चों की स्कूल की, तू बेवकत पे छुट्टी लेगा तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी लेगी, मैं बेर का छुट्टी लिया नहीं, शादी को मत इंक्लूड कर, शादी के लिए बोल रहा है, बात सच्ची है, मेरे आदमी दिवाली में भी छुट्टी लेके एक्स्ट्रा कहीं लेके जाते, मेरे आदमी क्रिसमस में भी कहीं लेके जाते, एक्स्ट्रा छुट्टी लेके जाते, मेरे लिए भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेते, हाँ लेकिन इस बार
चेरू रियाज की शादी के लिए लिए तो इनको मानना पड़ेगा। वो अभी उस मेरे पे डाल रहा कि तेरे लिए लियाना मैं तेरे लिए लिया मैं बिजली छुट लिया था मैंने सारे संडे वाली दो बार ले चुको किसके लिए। अरे इसलिए मेरी बेटी अटक जाती है इसलिए मेरी बच्ची को भी घूमने फिरने नहीं लेके जाऊंगा मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। अगर छुट्टी दो दिन के लिए एक तो लेके जा कम से कम बाहर दो दिन चलता जैसे लोग बोलते इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ कोई हनीमून नहीं होगा बेचने वाली हूँ। मेरे पति ने मुझे पूरे पांच साल के पांच नहीं छह सात साल कितने अभी लोनावला कितने साल के बाद हम लोग वो भी मई लेके गई मई लेके गई वो भी रातों रात चलो अभी के अभी निकलेंगे। अगर वो रातों रात वो रातों रात का मैं नहीं बोलती थी ना चलो तो शायद मैं मुंबई के बाहर आज भी कदम नहीं रखी होती। मेरे बच्चे का अभी ना शुरू है ना सोच रहा है कहाँ भेजने का शादी पर औरंगाबाद गए अबे चल रोके जाना होता है क्या सात दिन के लिए गया गए थे सात दिन के लिए और वहाँ गई और बिस्तर में पड़ी जाते के साथ बिस्तर में पड़ गई। मैं वैसी औरंगाबाद वापस लेके आना जो जमीन पे बैठी थी वही जमीन पे सोई वही जमीन में खाई और वही जमीन से उठ के आ गई बाहर भी नहीं। औरंगाबाद में कहा दौलताबाद लेके गए फोलताबाद लेके गए कि दरगाह लेके गए थे मुझे कहाँ लेके गए थे खाली औरंगाबाद गए खाली औरंगाबाद गए थे। तू जा सकती ना बेटा अभी तो होटल वोटल मस्त हो रहा है मैं तो बड़ी ऐसी हो गई मेरे पति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सच का पैसा होके भी क्या अचार डालू पैसे का जब पति नहीं साथ में घूमने को मैं क्या करूँ बताओ। औरंगाबाद घूमने जाना है अरे औरंगाबाद में इतनी मजारे इतनी दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और घूमने के लिए भी है जगह ऐसी नहीं कि नहीं है। पता मैं ब्लॉग बनाने को आई थी ना मैं नई नई है इंडस्ट्री में आई थी ना यूट्यूब पे तो मैंने लोगों को ना मतलब एक चीज बोली थी कि गाइस मैं आप लोगों को मुंबई घुमाऊंगी मैं भी आज तक के मुंबई नहीं घूमी वो वीडियो ना ढूंढ के मैं आ जाना आइकन बटन पे लगाऊंगी मैंने बोला था मैं घूमूंगी आप लोगों को घुमाऊंगी मैं पांच साल तक आज तक घूमा। हाँ तो बोलते रही हो यूट्यूब पे आके छह साल हो जाएगा गाइस नवंबर की 25 तारीख को तो हो भी गया मेरे कोई ना केक तक नहीं काटा मेरा तूने अभी बता दिया मेरा पति को याद मेरा पति को भी कोई लेना देना नहीं होता मेरी खुशियों से। गाइस आज आप लोग मेरे को भर भर के गाली देंगे मेरे को पता है कि पति को छोड़ रही नहीं कहीं का लेकिन असल बात तो ये है कि मेरे पति ने मुझे कुछ हो गया ऐसा क्या बोल रही हूँ गाइस चलो कोई नहीं क्योंकि अभी ना ऐसा होता है ना कि हम लोग जब बोलने पे आते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती बोलने के लिए माँ बच्चे जाए माँ बच्चे बोलती बंद नहीं होती बोलने के लिए बहुत अपना ख्याल रखना हमें वीडियो को पसंद लाइक शेयर नाजिया शेख इंडियन ब्लॉगर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट करना ना भूले शेयर करना ना भूले बाय बाय।